हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है नई वीडियो में। आज के टॉपिक अलार्म किस प्रकार से सेट करते हैं बताऊंगी। और फ्रेंड्स, मेरे पास है सैमसंग का फ़ोन है। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्लॉक ऐप ओपन करना है एंड इसके बाद आपके यहाँ दिखता है अलार्म के ऑप्शन पर क्लिक करके रखेंगे। उसके बाद आपके प्लस का आइकन पर क्लिक करना है एंड इसके बाद यहाँ से टाइमिंग सेट करेंगे, जैसे हावर और इधर से आप इस तरीके से टाइम सेट करेंगे। ये मिनट का होता है ऑप्शन एंड ये एम और पी एम इस तरीके से कर सकते हैं। मैं 5 AM को सेट करी एंड आप रिपीट यानी कितने दिन का अलार्म सेट करके रखना चाहेंगे वो सेट करेंगे यहाँ पर। एंड आप मतलब एवरी डे का रखना चाहेंगे, सब पर सर्कल रखेंगे तो एवरी डे यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा आपका ऊपर साइड, देख सकते हैं एवरी डे लिखा हुआ गया। एंड उसके बाद आप अलार्म नेम डाल सकते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से ये यह होता है कि आप कितने टाइम यानी कि रिपीट कितने दिन के लिए सेट कर रखना चाहेंगे। 3 times के लिए, तो 3 times के लिए आपका होगा, 3 बार बजेगा आपका अलार्म एंड इसके बाद वो भी 3 days के। और इसके बाद आपके यहाँ दिखता है 5 minutes 10 minutes, आप चाहते हैं कि कितने मिनट तक आपका अलार्म बजता रहे और आपका नींद खुले इतनी देर में। एंड तो यहाँ से ये सेलेक्ट कर सकते हैं एंड मैं 5 मिनट का ही सेट रखती हूँ। आप जितने मिनट का रख सकते रखना चाहे तो रख सकते हैं यहाँ से एंड इसे बैक करेंगे। उसके बाद आपका जब सेट हो जाता है आप इसे और वाइब्रेशन इस प्रकार से ये सभी ऑफ ही था ऑन कर लेंगे सभी एंड बस रीड टाइम और ये वाला ऑन मत करना है। एंड उसके ये भी ऑन कर सकते हैं, रिंग बजेगा बट, एंड उस तरीके से सेट करेंगे। और जब सेट सबको सेट कर लेते हैं तब आपको सेव का ऑप्शन आता है एंड इस पर क्लिक कर देते हैं और आपका अलार्म इस तरीके से सेट हो जाता है। 5 AM का सेट हो गया इस तरीके से टाइम। आई होप आपको समझ में आ गया किस प्रकार से सेट करते हैं अलार्म। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स, तब तक नमस्कार।